तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में जिसमें आज हम जाने वाले हैं टॉप ट्वेंटी जी के क्वेश्चन तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए तो हमारा पहला प्रश्न निकल गया है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है तो ए बी सी ऑप्शन दिए गए हुए हैं ए ऑप्शन है स्टैचू ऑफ यूनिटी बी है हम्पी सी है, है गोमेतेश्वर डी है हर मंदिर साहिब तो इसमें हमारा ए करेक्ट आंसर है हमारा दूसरा प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो इसमें ए है मध्य प्रदेश बी है उत्तर प्रदेश सी है राजस्थान डी है महाराष्ट्र तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा आप कमेंट में भी लिख सकते हैं तो इसमें सी हो जाएगा राइट आंसर अगला प्रश्न हमारा तो हमारा तीसरा प्रश्न है भारत में कुल कितने राज्य हैं तो ये सभी को पता होगा अगर किसी को नहीं पता है तो इसका राइट आंसर सी है अट्ठाईस होते हैं तो हमारा चौथा प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है तो ए है कुतुब मीनार बी है चार मीनार सी है जतला मीनार डी है शहीद मीनार तो इसमें हमारा राइट आंसर कुतुब मीनार हो जाएगा ए अगला प्रश्न हमारा भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा तो है तो ए है मद्रास बी है दिल्ली सी है मुंबई डी है कोलकाता तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा सी तो हमारा अगला प्रश्न निकल गया है भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है तो इसमें ए है कोसी बी है गंगा सी है कोसी डी है गंडकी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा बी नंबर अगला प्रश्न हमारा भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल से किस प्रतापी राजा से है ए है अशोक और बी है चंद्रगुप्त और सी है महाराणा प्रताप डी है भारत चक्रवर्ती तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा भारत चक्रवर्ती अगला प्रश्न हमारा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा A, B, है ए है नागार्जुन सागर बांध बी है इंदिरा सागर बांध सी है हीराकुंड बांध डी है भाकड़ा बांध तो इसका राइट आंसर सी है हीराकुंड बांध अगला प्रश्न हमारा भारत की सबसे लंबी सुरंग है ऑप्शन ए मलिगुड़ा सुरंग बी मलिगुड़ा सुरंग सी जवाहर सुरंग डी चेनानी ने सुरंग तो इसका राइट आंसर डी है चेनानी नेसारी सुरंग अगला प्रश्न है हमारा भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो इसमें ऑप्शन दिए गए हुए हैं ए ब्रह्मपुत्र बी गोमती सी गंगा डी चंबल तो इसमें इसका राइट आंसर है ए ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न हमारा तो हम लोग ग्यारहवें प्रश्न की ओर आ चुके हैं हमारा ग्यारहवा प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो उसमें ऑप्शन दिए गए हुए हैं ए लॉर्ड माउंट बी लॉर्ड रफरीन सी लाल्टन डी लाल कहने तो इसका राइट आंसर है ए अगला प्रश्न है हमारा भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी तो इसमें ऑप्शन दिए गए हुए हैं ए मदर टेरेसा बी बिमला देवी सी किरण बेदी ए डी सरोजनी नायडू तो इसका राइट आंसर है किरण बेदी यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है अगला प्रश्न हमारा भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है तो इसमें ऑप्शन दिए गए हुए हैं ए वनस्थली विद्यापीठ बी एन एस डी टी महिला विश्वविद्यालय सी एल एस आर महिला विश्वविद्यालय डी श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर अगला प्रश्न हमारा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी तो ऑप्शन दिए गए हैं ए बच्छेद्रीपाल बी राजिया बेगम सी सुचेता कृपलानी डी कमलजीत संधु तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कमलजीत संधु अगला प्रश्न हमारा भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी ऑप्शन दिए गए हुए हैं ए ममता बनर्जी बी प्रतिभा पाटिल सी सरोजनी नायडू डी ए e, सुष्मिता सेन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर जानने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तो हमारा आंसर है सी सरोजनी नायडू अगला प्रश्न हमारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी बी रजिया सुल्तान सी बछेद्री पाल डी कल्पना चावला तो इसका राइट आंसर है हमारा है बच्छेद्री पाल तो इसका सी हो जाएगा राइट आंसर अगला प्रश्न हमारा भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ तो ऑप्शन दिए गए हैं ए उन्नीस सौ सोलह बी उन्नीस सौ पच्चीस सी ए उन्नीस सौ पंद्रह डी उन्नीस सौ सत्रह तो इसका राइट आंसर है सन उन्नीस सौ सोलह यानी के ए अगला प्रश्न हमारा सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी ऑप्शन ए उमा भारती बी एम फातिमा बीबी सी कर्णम मलेश्वरी डी सुष्मिता सेन तो इसका राइट right आंसर है बी अगला प्रश्न हमारा भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है तो ऑप्शन ए कोलकाता बी दिल्ली सी कोलकाता डी मुंबई तो इसका राइट आंसर है मुंबई तो हमारा लास्ट प्रश्न है भारत का प्रथम तो तो right तो प्रधानमंत्री कौन बना तो इसका आंसर सभी को पता होगा शायद तो नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ सी जवाहरलाल नेहरू